सिनेका के बारे में तो मेरे को पता नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं भाई अपन? अभी हम बागात में, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स निशात और शालीमार चौक मुगल गार्डन से, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे सब कुछ। और ये रहा कश्मीर का पहले दिन का मस्त ब्रेड आमलेट, कश्मीरी बिस्किट विद गरम गरम हॉट चाय के साथ। तो अब हम लेंगे इसका मजा और बाहर का व्यू बता देते हैं आपको। ब्यूटीफुल कश्मीर, इधर का मजा अलग ही है भाई। इधर के घरों का कंस्ट्रक्शन भी, और वादियाँ तो यहाँ से नहीं दिखेंगी, ये है रेजिडेंशियल एरिया। अब हम जब जाएंगे वादियों की तरफ, आपको तब कराते हैं वादियों के नज़ारों से रूबरू। और ये रही गर्मा गर्म चाय। तो आज हम लेंगे अभी सवेरे पहला इसका मजा। कहते हैं ठंडी तब एकदम चेंज हो गया था, तब आते आते गर्मी से एकदम ठंड में पहुंचे, गली की भी लग चुकी है, जो भी होगा देखा जाएगा। निकल तो पड़े हैं ट्रिप पे, तो ट्रिप को कहते हैं आगे कंटिन्यू, कितने दिन के लिए वो भी अभी नहीं बता सकते। तो ये हो रहा हमारे फाइल ट्रांसफर, टाइम है 11:17, ये लगे हुए सब कार्ड, ये कॉपी चल रहा है, बाकी इसके बाद एडिटिंग का काम बाद में चल रहा है। चलिए तो फिर दिखाते हैं हम आपको कश्मीर की सुंदरता, डल लेक की सैर कराते हैं। ठीक है, चलो डल लेक भी जाएंगे। तो आज के हमारे को कश्मीर घुमाने वाले जयीर भाई, इससे अच्छा कोई नहीं दिखा सकता भाई। और पीछे बैठे हमारे एक फर्जी कश्मीरी, कश्मीर के होते हुए ठंड से ठंड लगती है उनको, एक्चुअली जानते हो सब, दिल्ली में मिलवाया कई बार आपको लोगों को उनसे, आज कश्मीर में भी मिलवा देंगे। तो बाहर कैमरे को घुमाते हैं दूसरी तरफ और कश्मीर की सुंदरता को दिखाते हैं पहाड़। तो भाई आज हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ का हर किसी को इंतजार होता है, वो जगह कहाँ है, जिसको हिंदुस्तान का स्वर्ग कहते हैं, तो वो जगह है कश्मीर। तो भाई अभी हम खड़े हुए हैं श्रीनगर के अंदर, हमारे पीछे लगा हुआ है आई लव श्रीनगर। और ये देखे दिल का शेप आई लव श्रीनगर, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है श्रीनगर के दिल के अंदर, तिरंगा बना हुआ इधर और बाकी रिमाइनिंग दिया हुआ संदेश कबूतरों से शांति का। और ये रही पीछे हमारे डल लेक, जिस पे करें आप इंजॉय। और नेक्स्ट अभी हम लेके चलते डल लेक के दूसरे सिरे के ऊपर, जहाँ पे आपको शिकारे में बैठा लेंगे, जो कि लोग इधर आके शिकारे के अंदर बैठना और उसका इंजॉय लेना चाहते, तो आपको भी लेके चलते हैं अंदर जाके शिकारा के क्या कॉस्टिंग होता है, क्या प्राइस और कितना टाइम लगता है, वो सब आपको अंदर जाके मालूम पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सामने डल लेक का व्यू और डल लेक के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, इनसे घिरी हुई सुंदर सी डल लेक एक अपने आप में बहुत प्यारी सी कहानी को बखान करती है और बताती है कि वास्तविकता में सुंदरता किसे कहते हो। कहते हैं ना जन्नत जो है तो जन्नत धरती पर है, तो वो कश्मीर में, और कश्मीर की सुंदरता जो है आपको सामने दिख रही होगी इस डल लेक के अंदर। तो आप देख सकते हैं सामने हमारे दिख रही है डल लेक, ब्यूटी ऑफ श्रीनगर, ब्यूटी ऑफ कश्मीर। इस डल लेक को देखने के लिए हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं, वही है ये डल लेक, जो कहते हैं जन्नत की शान। और इस डल लेक के अंदर इतनी सुंदर सुंदर हाउस बोट है जो आपको दिख रही हैं, इसका ही मज़े लेना तो कश्मीर आइए और इसमें रुकिए, वो कहते हैं ना एक रात गुजारो हाउस बोट के अंदर। तो अभी हम जाएंगे डल लेक के अंदर, थोड़े करेंगे शिकारी के अंदर राइड और उसके बाद
देखते हैं अंदर हाउस बोटों के अंदर भी दिखाते हुआ, तो आपको हाउस बोट अंदर की किस तरीके की होती है, उसके चार्ज कितने होते हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो हाउस बोट के क्या चार्ज हैं, क्या फैसिलिटी है, वो सब आपको बताते हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो को, देख सकते हैं आप लोग सैलानियों का आना और हाउस बोट के अंदर जाना, एक अपने आप में एक बहुत प्यारा अनुभव होता है। तो इसी अनुभव को देखने के लिए आज हम आ चुके हैं। ये देखिए, इसके अंदर गेट नंबर 6 इस तरीके से गेट बने हुए हैं। किस गेट की एंट्री से आपको अंदर जाना है और उस गेट के ऊपर से आपको मिलेगी हाउस बोट, उसके बाद आप अंदर जाके ये शिकारी लगी हो पूरे लाइन से, शिकारों के भी नंबर हैं, इनकी कितनी चार्ज होता है, कितने घंटे का, वो भी आपको बताते हैं। पहले तो सोचा क्यों ना डल लेक के बाहर से आपको दीदार करवाएं और दिखाएं कि इसकी ब्यूटी कितनी प्यारी है। तो ये रही, ओहो ये देखिए गेट नंबर 8। भी हम आपको लेके आ गए हैं कुछ ऐसी खास जगह जहाँ पे हर कोई इंतज़ार करता है कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जिसको जन्नत कहते हैं, वो है कश्मीर। और कश्मीर की मेन शान है, सामने आपको दिख जाएगा डल लेक, डल लेक। और ये अभी हम दिखाएंगे आपको, लेफ्ट साइड में दिखेगा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, आप देख सकते हैं व्यू डल लेक का। और ये रहा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस और ब्यूटी ऑफ डल लेक सामने दिख रही है आपको। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं डल लेक कितनी सुंदर लग रही है, लोग इधर आके मस्त एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली का काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अंदर शिकारी के अंदर भी रुकने की जगह है, तो कल आपको लेके चलते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं शिकारी में, शिकारी की भी स्टे का कितना है वो आपको बताते हैं।